Standard 8, Chapter 11, Force. Okay, previous we have studied about pushing and pulling force. Now we are going to start about forces are due to an interaction. Means, आज हम ऐसे थोड़े से एक example पढ़ेंगे कि इससे हमको पता चलेगा कि जब तक किसी भी चीज के दोनों के बीच में interaction लगेगा तो फोर्स लगेगा तो क्या इंटरेक्शन में क्या होगा, कैसे फोर्स लगेगा, कैसे कोई चीज मोशन में आएगी, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, फिगर में दिखाया है। देखो, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। क्या बोले कि अगर कोई कार स्टेशनरी है, अगर कोई अंदर बैठ जाएगा, मिस ड्राइवर अंदर बैठ जाएगा, या तो कोई पीछे खड़ा रहेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा, तो उसकी प्रेजेंस से अगर कार चलने लगेगी या तो कार की मोशन होगी। सपोज द मैन नाउ बिगन्स टू पुश द कार। अब देखो नीचे जो फिगर दिए उसमें दिखाया हुआ है कि अब क्या कर रहा है, वो उसको कार को पुश कर रहा है। तो द कार मे बिगन टू मूव इन द कार मे बिगन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई फोर्स, नॉट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब पहला का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो पहले एग्जाम्पल में क्या था वो दिखा था वो आपको, कि एक ऊपर फिगर दी हुई है, एक कार है, कार के पीछे एक इंसान ऐसे ही खड़ा है, अंदर ड्राइवर बैठा है। जब तक के ड्राइवर एक्सीलेटर नहीं देता, वो आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसमें ऐड कर देते हैं, जब तक ये ड्राइवर कार स्टार्ट नहीं करता या तो एक्सीलेशन नहीं देता तब भी कार मूव नहीं होगी, या तो अगर ये यहाँ पीछे खड़ा ही रहेगा तब भी मूव नहीं होगी। पीछे होने खड़ा रह के अगर नीचे जो फिगर में दिखाया हुआ है वैसे अगर पीछे से इसको फोर्स लगाएगा तभी कार आगे जा सकती है, नहीं तो कार आगे जा सकती नहीं है। तो यही बात है कि जब तक दो सब्सटेंस के बीच में जब तक कोई इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक कार मूव नहीं करेगी, यही दिखाया है। फिर नीचे का एग्जांपल दिखाया है, देखो हु इज पुशिंग, यहाँ पे कौन किसको पुश कर रहा है, हु इज पुशिंग बाय होम। तो यहाँ पे दूसरी फिगर दिखाई है, देखो फिगर 11.3 शो दैट थ्री सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू, कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केस फिगर 11.3A। Both the girls appear push each other while pair of girls जो B में है are trying pull each other. Similarly, तो पहले इस ये example की बात कर रहे हैं। इस example में क्या होता है आपको कि यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को हाथ दिखाया है, दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ push कर रहे हैं, तो ये दोनों की pushing की बात हो रही है, दोनों एक दूसरे को push कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है। मीन्स आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने इसका हाथ पकड़ा है, इसने इसका हाथ पकड़ा है, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ा है और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, देखो 11.3 हु इज पुशिंग होम 11.3C। सिमिलर द काउ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर। अब देखो मैन क्या करता है, काऊ को अपनी तरफ खींचने का मीन्स आगे ले जाने का ट्राई करता है, लेकिन अगर काऊ स्टबन है, काऊ को आगे नहीं आना है, तो काऊ क्या करेगा, काऊ क्या करेगी, वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी और जो उसका पुश फोर्स जो लग रहा है, मैन जो काऊ पे पुश फोर्स लगा रहा है उसका ऑपोजिट फोर्स काऊ क्या करेगा, मैन के ऊपर या मैन के हाथ पे लगाएगा। तो उससे क्या होगा कि काऊ मैन कितना भी फोर्स लगाएगा तब भी काऊ को आगे नहीं ले जा सकता, जब तक काऊ अपने आप में फोर्स लगा रही है तब तक। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स टू इच अदर इन ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड काऊ। मीन्स यहाँ पे भी जब तक अगर काऊ को आगे आना है तब तक सही है, लेकिन अगर काऊ को आगे नहीं आना है तो मैन कितना भी पुश करेगा उतने पुश या पुल करने के ऑपोजिट में काऊ अपनी फोर्स लगाएगी। मीन्स काऊ अपनी फोर्स के कारण क्या होगा कि काऊ आगे नहीं आ सकती। ओके, अब
तो ये क्या हुआ, पहले कार कार की बात हो रही थी, तो जब तक स्टैंड है तब तक कार, जब पीछे से धक्का नहीं लगाएगा तब तक कार आगे नहीं जाएगी। ये दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, वैसे ही कार एंड मैन का एग्जांपल है, वो भी सेम जैसा ही हमने देखा भाई। अब एक्टिविटी नंबर 11.2 देखो, एक्टिविटी नंबर 11.2 देखो, ये एक्टिविटी आपको घर से पढ़नी है, घर से करनी है। मैं सिंपल उसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर आपके घर में कोई चीज़ पड़ी है, लाइक टेबल या तो पत्थर या तो कुछ भी बड़ी सी कोई चीज़ ले लो, आप दोनों भाई बहन है या तो दोनों भाई भाई हो, तो क्या करो कि हम वही ले लेते, टेबल ही ले लेते। आप दोनों भाई या तो भाई बहन हो तो क्या करो, पहले टेबल की जो चार साइड होती है ना, चार साइड में से किसी एक साइड पे दोनों जाओ और दोनों एक साइड पे फोर्स लगाओ, एक ही साइड पे। तो क्या होगा, अगर टेबल को आप पीछे से फोर्स लगाओगे ना, तो दोनों एक ही डिरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो टेबल क्या करेगा, दोनों एक ही साइड पे फोर्स लगाएगा, तो जो टेबल जो था ना वो आगे जाने का ट्राई करेगा, क्या करेगा, टेबल आगे जाएगा। जब आप टेबल के फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना, तब नॉर्मल फोर्स लगाए तो क्या होगा कि टेबल की जो चार पाई है ना, वो चार पाई फ्रिक्शन उसके नीचे फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन उनके और सरफेस के बीच में लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स से तो वो टेबल आगे नहीं जा पाएगा, या तो पत्थर या तो ब्लॉक कुछ आगे नहीं जा पाएगा, तो उस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो आगे जाएगा। उसका ऑपोजिट देखो, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा है, जितना फोर्स में जितने फोर्स से एक ब्रदर एक साइड से लगा रहा है, उतना ही ऑपोजिट फोर्स अगर दूसरा ब्रदर दूसरी साइड से लगाएगा ना, तो टेबल का मूवमेंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देंगे, तो इससे क्या होगा, तो टेबल मूव नहीं होगा। तो अगर एक साइड से फोर्स लग रहा है तो टेबल जाएगा मोशन में, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो टेबल मोशन नहीं लगाएगा। तो ये एक्टिविटी घर से करनी है आपको।